नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जो इंडियन आर्मी में नई वैकेंसी निकली है इसके बारे में। दरअसल इंडियन आर्मी में एक नई वैकेंसी निकली है TES-47 के अंतर्गत, जिसमें 10+2 टेक्निकल एंट्री की ये बंपर भर्ती निकली है और इसमें 12वीं पास आप होने चाहिए, PCM आपके पास होना चाहिए, इसके साथ ही आप JEE के अंदर अपीयर होने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। 2 जनवरी 2003 के बाद और 1 जनवरी 2006 से पहले आपका बर्थ होना चाहिए। ये जानकारी हमने दे दी है, आप अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट पर देख पाएंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर आ जाना होगा। दोस्तों, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहां पर ऑफिस एंट्री अप्लाई और लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इससे पहले अपनी एलिजिबिलिटी यहां से चेक कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए यहां पर आपको आना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, क्वालिफिकेशन डालनी है, मेरिटल स्टेटस डालना है और उसके बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। यहाँ अगर आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, इसका मतलब आप एलिजिबल है। अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। ऑफिसर्स एंट्री के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा, जो कि आपके पास होगा नहीं। सीधी सी बात है, आपने पहले रजिस्ट्रेशन तो करके रखा नहीं है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का एक पेज आएगा, इसे आपको ध्यान से जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए। अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो आप फिर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पर्सनल डिटेल का एक पेज आ जाएगा। आई हैव, यहाँ पर क्या आपके पास आधार नंबर है, क्या आपके पास एनरोलमेंट नंबर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। आपके पास अपना आधार नंबर तो होगा, यहाँ पर अपने आधार नंबर को डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, फिर आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर डाल देना है, फिर अपने माता का नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी यहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी, फिर अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देना है और आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उससे पहले आपको यहाँ पर कैप्चा डालना पड़ेगा और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन हम भर देते हैं और आपको अगले पेज पर लेकर चलते हैं। जैसे दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार की डिटेल आपके सामने आएगी। यहाँ पर जैसा कि आप देख पाएंगे, एजुकेशन डिटेल, यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं के बारे में भरना है। यहाँ पर 10वीं कहाँ से आपने, किस बोर्ड से की है। फिर आपको यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट के नंबर लिखने हैं। उसके बाद आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। एलिजिबल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है आपको यहाँ से भर देनी है। और यहाँ पर आप अपियरिंग है या फिर पास्ट डे, यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ एनरोलमेंट भरनी है, जो कि सेना, नौसेना और वायुसेना की सेवाओं में अभ्यर्थियों के लिए योग्य। तो यहाँ पर एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स इन सर्विस ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, अगर इसमें सर्विस में है तो फिर आपको यहाँ पर भरनी है, अन्यथा आपको नहीं भरनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से अपना पासवर्ड बना लेना है, ये कैप्चा आपको डाल देना है और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आगे क्या आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, आइए आपको दिखाते हैं। फिर दोस्तों जैसे ही वो आप सारी जानकारी भरेंगे, आपके सामने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा कि आप अपने फोटो को और सिग्नेचर को अपडेट करें। तो यहाँ पर आपको अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर आपका अपना फोटो और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर डाल देना है। यहाँ से चूज फाइल करना है, यहाँ से भी चूज फाइल करना है और दोनों को ही अपलोड कर देना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप ऑनलाइन टूल्स का उपयोग कंप्रेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये आप कर लेंगे और उसके बाद आपको चूज फाइल करके सेलेक्ट करके यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। फिर दोस्तों सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे आप एलिजिबल है या फिर नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको नीचे आना है, डिटेल आपको ध्यान से पढ़ लेनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ दोस्तों आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन,
पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और अपनी नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप कम्युनिकेशन इन डिटेल के ऑप्शन पर आ जाएंगे, ये आपको दिखा देते हैं। जैसे दोस्तों आप अगले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ से आपका एड्रेस पूछा जाएगा, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भर देना है और यहाँ पर अगर सेम एड्रेस है तो फिर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे इधर वाला इधर कॉपी हो जाएगा, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और आपको अपनी एप्लीकेशन अगर कैंसिल करनी है तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ये डिटेल भर देते हैं और आपको अगले ऑप्शन की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों जैसे आप ये डिटेल भरेंगे आप एजुकेशन डिटेल की ओर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने 12वीं के जो भी मार्क्स है वो भरने हैं और यहाँ पर जो है आपको अपने शैक्षणिक विवरण जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन का देना है। जैसे 10+2 है, आप यहाँ से CBSE वगैरह कोई भी बोर्ड है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपने टाइप ऑफ स्कूल यहाँ से देख लेनी है और अगर इसमें नहीं है तो फिर आप यहाँ पर अदर स्कूल नेम करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको आना है और टोटल मार्क्स जो भी ऑब्टेंड है फिजिक्स के अंदर कितने में से हैं और ये जो आपको लिख देना है। आपके सामने फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यहाँ पर जो है आपको प्राप्तांक भर लेने हैं और यहाँ पर जो भी डिटेल आपको भरनी है आपको भरनी पड़ेगी। और आपको यहाँ पर NDA कोर्स में अगर आप कर रहे हैं पैरेलल तो आपको यस कर लेना है और कौन से में आप कर रहे हैं सीरियल नंबर वगैरह आपको यहाँ भर देना है, अन्यथा आपको नो भर देना है। और यहाँ पर JEE मेन, जैसा कि JEE मेन आपके लिए ज़रूरी है तो आप यहाँ पर अब देख लीजिएगा। JEE मेन की जो भी डिटेल है आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर डिटेल और प्रीवियस SSB पर आ जाएंगे और यह जो आपको एंट्री है आपको कर लेनी है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। SSB का विवरण आप देना चाहते हैं या फिर नहीं, यस या नो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइनल प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा और आप सबमिट कर पाएंगे। इस प्रकार से हमने पूरी जानकारी छोटे से वीडियो में देने की कोशिश की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।